नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो विथ हिमांशु के एक नए फ्रेश कमाल एपिसोड पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लेके आ गया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी खास, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप सभी के लिए क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम कवरअप करने वाले हैं इंडिया में क्रिप्टो बैंक खुलने वाली है उसके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। कोरिया से बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आ रही है क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग, उसे हम कवरअप करेंगे। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज से क्रिप्टो करेंसीज के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, उसे हम आगे कवरअप करने वाले हैं। साथ ही साथ और भी कई सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ अपडेट आज की वीडियो में है, तो वीडियो को मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा स्किप करने के लिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो न्यूज़ है आज की वीडियो में। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट मैं आप सभी को वीडियो को एंड में देने वाला हूं, तो वीडियो को जरूर टिल एंड वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपकी क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है और भी बेहतर हो पाए और आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाए। साथ ही साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट लेके आते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉफिट और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज हो पाए और आप क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग रेगुलरली अपडेटेड रहें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर से वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज़ आप सभी के लिए ऐसे वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर से जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है ज्वाइनिंग। वहाँ पे हम काफ़ी बेहतर हिंट प्रोवाइड करते हैं आपको क्रिप्टो करेंसीज के लिए, जिससे कि आपकी प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो चलिए न्यूज़ पे जाने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं ओवरऑल मार्केट को, कि मार्केट का क्या मूड है, जिससे आपकी प्रॉफिट क्या बढ़ने वाली है या फिर हो सकता है आपको नुकसान। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बिटकॉइन को अभी देखें तो बिटकॉइन लगभग $33,500 के करीब ट्रेड कर रही है। सुबह के टाइम में हमें थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था, बट शाम होते होते वो रिकवर हो गया, मतलब फिर से डाउनवर्ड आ गई है मार्केट। तो दोस्तों, इस पे ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, ये तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग हम देख रहे हैं। पिछले वीक से ही बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रही है, बट आज आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लेके आ गया हूँ। मतलब बिटकॉइन की जो ओवरऑल ट्रेडिंग चल रही है उससे काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स निकल के आ रहे हैं, और जिससे मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, जरूर से वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अभी ओवरऑल मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है हमें, मार्केट की मूवमेंट ना अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है, बट सुबह के टाइम में हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था। एल्टकॉइन की भी हालत कुछ खास नहीं है दोस्तों, ओवरऑल एल्टकॉइन ना ऊपर है ना नीचे है, वही सेम पोजिशन में ट्रेड करते हुए दिख रही है। बट आगे हमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ देखने को मिल सकती है बिटकॉइन और एल्टकॉइन के तरफ से, और काफ़ी अच्छा पंप भी देखने को मिल सकता है इस वीक, तो इस बात पे जरूर से ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गई दोस्तों ओवरऑल मार्केट की अपडेट। अब चलिए सीधे बढ़ते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाइजीरिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ से, जिससे आपको पता चलेगा क्रिप्टो करेंसीज की क्रेज़ कहाँ तक बढ़ चुकी है। दोस्तों, आए दिन आपने सुना होगा कि नाइजीरिया गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को लेकर वार्निंग जनरेट कर रही है, वार्निंग दे रही है अपने पीपल्स को कि क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, काफ़ी वोलेटाइल है क्रिप्टो मार्केट। बट उसके बाद भी नाइजीरिया से एक डेटा निकल के आया है जो एक्सक्लूसिवली मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, नाइजीरिया की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, वार्निंग्स के बाद भी लोग जो है क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और नाइजीरिया की जो P2P ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कंपेरेटिवली पिछले अगर 2-3 महीने से हम कंपेयर करें तो वो और भी ज़्यादा बढ़ के नज़र आ रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है नाइजीरिया से, जिससे पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसीज का क्रेज़ जो है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम बात करें आज की अपनी दूसरी अपडेट की, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट है, बिल्कुल मार्क करके रख लिया दोस्तों, अपडेट आ रही है कोरिया से, और इससे हमें मार्केट में एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कोरिया की एक और बैंक ने क्रिप्टो करेंसीज की कस्टडी को स्टार्ट कर दिया है। कोरिया की अब पहली बैंक जो थी उन्होंने तो स्टार्ट किया ही था, अब ये दूसरी बैंक है जो क्रिप्टो करेंसीज की कस्टडी चालू कर रही है कोरिया में। अब क्रिप्टो करेंसीज की कस्टडी क्या होती है अगर आपको पता नहीं है, तो मैं इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ कि अब जो यूजर्स हैं उन बैंक के, वो क्रिप्टो करेंसीज को बैंक के थ्रू ही होल्ड कर पाएंगे। जी हाँ, अब
क्रिप्टो करेंसीज में बैंक के थ्रू पैसा तो लगा सकते हैं, साथ में आप क्रिप्टो करेंसीज को बैंक के थ्रू ही होल्ड कर पाएंगे, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। अब बैंक आ रही है क्रिप्टो मार्केट में, तो आपको समझना चाहिए कि क्रिप्टो मार्केट की इन्फ्लुएंस क्या है और आगे जाके क्रिप्टो मार्केट कितनी बड़ी रोल निभाने वाली है फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए, जो कि कोरिया से आ रही है, बैंक्स भी क्रिप्टो मार्केट में उतर रही है। अगर हम बात करें आज की अपनी तीसरी अपडेट की, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त अपडेट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट है, पॉजिटिव अपडेट है दोस्तों, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज की ATMs की हम बात कर रहे हैं। एक डेटा निकल के आया जिसके मुताबिक क्रिप्टो करेंसीज की जो ATMs है उसमें 265% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर 2021 से। जी हाँ, मैं पिछले 6 महीने की बात कर रहा हूँ, पिछले 6 महीने में 265% की ग्रोथ देखने को मिली है क्रिप्टो करेंसीज के ATM में। यानी कि अगर मैं एक डेटा आपको शेयर करूँ तो 6,373 ATMs थी वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसीज की जनवरी के महीने में, और अब उन ATMs की संख्या बढ़ के हो गई है 23,248। तो आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्या ज़बरदस्त ग्रोथ निकल के आई है क्रिप्टो करेंसीज के ATM में। और मैं जल्दी उम्मीद करता हूँ कि इंडिया में भी हमें कुछ क्रिप्टो करेंसीज के ATM देखने को मिल जाए, क्योंकि अब तो क्रिप्टो बैंक आ रही है इंडिया में, जिसकी अपडेट मैं आप सभी के साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ अपडेट की, तो जो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज की एक शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है सेफ वेल्थ नाम की, अब उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज पे ट्रेड करने की मतलब सोच ली है, मतलब ट्रेड करवाने की सोच ली है, मतलब वो अपने प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग अलाउ करने वाले हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। मतलब आप समझ लीजिए, एक वे से ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज की ये शेयर प्लेटफॉर्म है, तो मतलब रिलेशन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज से, और अगर वहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये वर्ल्ड वाइड एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगा ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए, और इससे भी एक काफ़ी बड़ा बूम हमें क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिल सकता है। और एट लास्ट दोस्तों, अगर हम बात करें अपनी फिफ्थ अपडेट की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है और दिल से खुशी हो रही है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में अब आ रही है क्रिप्टो बैंक जिसका नाम है कैसा, मतलब कैसा नहीं दोस्तों, कैश डबल ए ये उसका नाम है, और इन्होंने लॉन्च की बात कर ली है अगस्त के महीने में। आपको क्रिप्टो करेंसीज की एक बैंक इंडिया में देखने को मिल जाएगी, जिससे इंडिया में जो अभी करेंट प्रॉब्लम देखने को आ रही है क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेडिंग को लेकर, बहुत बार ऐसा होता है कि आप डिपॉजिट ही नहीं कर पाते पैसे, तो ये सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। आगे बैंक का विज़न काफ़ी बड़ा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लोन्स तक लेके आने की बातें हो रही है क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे मैं किसी अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है इंडिया की तरफ से, कि इंडिया में शायद से आपको क्रिप्टो करेंसीज की बैंक देखने मिल सकती है। एंड अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो अब बारी आती है एक बहुत बड़े हिंट की दोस्तों, जिससे आपकी प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमाइज हो पाए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन के एक बहुत ही बड़े ब्रेकआउट की, जो इस वीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। बहुत सारे एनालिस्ट के एनालिसिस आ गए हैं कि हो सकता है बिटकॉइन इस वीक $38,000 टच कर ले। जहां तक मैं अपनी सजेशन की बात करूं, तो मुझे लगता है 36,000 जरूर से बिटकॉइन इस वीक ब्रेक कर सकती है, और अगर कंडीशन अच्छी हुई तो 38,000 भी ब्रेकआउट होता हुआ हमें दिख सकता है, क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी दिन से एक ही जगह पर ट्रेड कर रही है और अब इसके नीचे या फिर ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। तो थोड़ा सावधानी से ट्रेडिंग करना है, बट ब्रेकआउट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेडिंग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सही टाइमिंग पर करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।